ये तस्वीरें देश के मोस्ट वांटेड बाघिन को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे सबसे बड़े ऑपरेशन की है। ये ऐसी बाघिन को पकड़ने का ऑपरेशन है जो महाराष्ट्र के यवतमाल में खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। यवतमाल में लोग खौफ में हैं कि आदमखोर बाघिन कब, कहां, कैसे, किस पर अटैक कर दे, कोई नहीं जानता। बाघिन इतनी शातिर है कि इसे पकड़ने के लिए चलाया गया हर ऑपरेशन नाकाम रहा। पिछले 9 महीनों से आदमखोर बाघिन के लिए 175 किलोमीटर में फैले पांडर कवाड़ा जंगल की खाक छानी जा रही है। इंसानी दिमाग से एक कदम आगे चलने वाली इस बाघिन को पकड़ने के लिए नए सिरे से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस पूरे लाभ लश्कर के साथ उस खूंखार बाघिन को पकड़ने की कोशिश हो रही है जो कई बार चकमा दे चुकी है, जिसकी कोई तस्वीर नहीं या वीडियो नहीं है, जिसके पंजों के निशान भी नहीं है, जो किसी भी वक्त कहीं से भी अटैक कर सकती है। साधारणतः ऐसा होता है कि एक शिकार करने के बाद टाइगर फिर से उस शिकार के पास बार बार आता रहता है, पर हमने जो पिछले 2-3 बेट्स को उसने शिकार किया उसमें हमने देखा कि वो टाइगर दोबारा से उस बेट के ऊपर आया नहीं। अब उसका कुछ भी कारण हो सकता है, हो सकता है कि अपने टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं तो उसके डिस्टर्बेंस की वजह से वो नहीं आई। T1 नाम के इस बाघिन को पकड़ने के लिए दिल्ली से इटालियन नस्ल के 2 खोजी कुत्ते मंगवाए गए हैं। इनका नाम है बूस्टर और कॉलर्स। इनकी कीमत लाखों में है। ड्रग्स पकड़ने, बम का पता लगाने, अपराधी को पकड़ने में इन खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बार में गंध को पहचान कर टारगेट तक पहुंच जाते हैं। बूस्टर और कॉलर्स कई दिनों से दिन रात यूं ही जंगलों में बाघिन के निशान को सूंघ रहे हैं, लेकिन खूंखार बाघिन इतनी शातिर है कि वो अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ रही। इन कुत्तों को मशहूर गोल्फर और डॉग ट्रेनर ज्योति रंधावा को दिल्ली से लेकर आए हैं। माना जा रहा है कि ये शिकारी कुत्ते ही बाघिन को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये एक्चुअली ब्रीड है कुत्तों की, केन कॉर्सो, जो स्मेलिंग में बहुत स्ट्रांग है, दूर से स्मेल करके बता देती है जानवर है कि नहीं है, और इसको काफी यूज किया जाता है यूरोप में फॉर हंटिंग पर्पसेस। विमान की तरह उड़ान भरते ये पैराग्लाइडर भी बाघिन को पकड़ने के लिए त्रुप का इक्का साबित हो सकते हैं। इसमें कैमरे लगे हैं जो खूंखार बाघिन की तलाश कर रहे हैं। ये मशीन थोड़ी छोटी सी एरिया में टेक ऑफ कर जाती है और करीबन 800-1000 फीट तक ऊपर जाती है, और जाके हम काफी दूर तक का एरियल सर्वे कर सकते हैं आसानी से। तो लोकेशन मिलने पे टाइगर की हम ट्रैक कर सकते हैं कि वो किधर गई। ये संभवतः पहला मौका है जब एक आदमखोर बाघिन को पकड़ने के लिए खास डॉग टीम पैराग्लाइडर्स की मदद ली जा रही है, लेकिन अब तक बाघिन को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है।